Reaction TV. Salaam alaikum bhai. Shabuddin Chach. Aapka chahta. मैं बहुत व्हाट्सएप खोला यूट्यूब खोला तो अपने झिंगुर मच्छर कुंजी बाबा ये नामें बहुत सुन रहा हूँ मैं ये गधा पढ़ा लिखा गधा इसीलिए मैं नाम रखा हूँ इसका पढ़ा लिखा गधा यानी कि यूनुस इसको इसके लिए मैं गधा बोलता हूँ क्योंकि इसको बोलने के अंदाज और कहने के अंदाज अल्लाह ताला ने इसको तालीम तो अच्छा दिया पढ़ाई अच्छी दिया है लेकिन उस पढ़ाई का पूरी तरह से कहते हैं ना अच्छी जगह पे यूज़ नहीं करता ये गंदी जगहों पे यूज़ करता है तो गधे तू कहता है मिश्रा जी को मेरा बस चले या हमारी हीरा गोल्ड का जो लोग हैं मेंबर जितने हैं 99 लोग ये सब कहते होंगे कि मिश्रा के पैरों की धूल भी नहीं है क्या क्या कहता है दिल मिश्रा के पैरों की धूल भी नहीं है तू गधा है समझ गया घोड़ा होता ना तो हो सकता मिश्रा को मैं ऊपर तेरे बिठाया था लेकिन तू गधा है गधा तेरे ऊपर बैठना भी उनकी तोहीन होगी मिश्रा जी की समझ रहा है और जो तू जो पुराने पुराने जो वीडियो डाल के पेंटिंग करना चाह रहा है लोगों को तो अब एक गधे सुन ले अब तू कुछ भी कर ले तो नाकाम हो तुम लोग समझ रहा है अब नैया डूब चुकी है हैदराबाद अपना क्या बोलते हैं महाराष्ट्र से तुम्हारे सदर की कहीं का नहीं रह गया चारों कोने चित हो गया मैं जिसका नाम ले रहा हूँ अकबर उरेशी का अल्लाह ताला ने हम लोग की सुन लिया इसीलिए हर जगह पे थू थू हो रही है सदर की भी और तुम लोग की भी समझ गया और गलती से भी मिश्रा को कोई गंदगी से मत मिला ला गंदगी लोग तो तुम लोग हो गू के लेड़ तुम हो समझ रहे हो बस चले तो ये मिश्रा जी का जो पेशाब है ना वो तुम लोग साले पी लो वो अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के उतारा है मिश्रा को और तुम उनके तोहमत लगा रहे हो हाँ और मौलाना जो भी मौलाना ने कहा है हाँ या तो वो मौलाना नहीं होंगे या होंगे तो कम पड़े होंगे क्योंकि कलाम पाक में खुले लफ्जों में लिखा है कलाम पाक में खुले लफ्जों में लिखा है काफर को काफर कहना भी गुनाह है कब ईमान ले आए और मिश्रा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का भाई है हम उसे दिलो जान से चाहते हैं और तू गधा है समझ रहा है हाफे की शिकायत तेरे को है क्यों तू उलझता है पता नहीं क्या तुझे मिलता है पता नहीं MIM का धब्बा जो तुझे लगा है मोहर ये तुझे ले डूबेगा और बेचारे अकबर ऋषि को भी डुबा ले गए तुम लोग आज मुंबई के लोग जो महाराष्ट्र के लोग यही चाहते हैं कि MIM ना आए समझ रहा है पढ़े लिखे गधे दोबारा कभी मिश्रा जी का नाम या अकबर क्या नाम उनका उरेशी अपना कुरेशी नाम जिनका है उमान कुरेशी मिश्रा ये सब लोग का नाम मत लिया कर समझा गंदी जबान से मत लिया कर ये लोग का नाम वो सब नेक लोग हैं वो सब सोच रहे गरीब कैसे जी रहे हैं कैसे लोग इम्तिहान से पास हो रहे हैं कैसे तकलीफ से जी रहे हैं वो सब देख चुके हैं और तुम पेंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना होंगे अब तुम अपने सदर को बचाओ MIM को बचाओ भागम भाग में लग गए MIM लोग समझ रहा है गधे
वो देख ले, एजाज खान खड़ा होकर फूका है। अब तो तसल्ली हो गई, वो तो खुले लफ्जों में कह दिया कि अकबर ओवैसी साहब आपा को बाहर निकालो ना तो महाराष्ट्र से तुम्हारी नैया डूब जाएगी। समझ गए, आपा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, आलिमा वो आलिमा औरत जात, हाँ वो अल्लाह वाली औरत, हाँ उस पर तुम लोग तोहमत लगा रहे हो। अब कोई चीज़ नहीं मिला तो मिसरा मिल गए, या कोई चीज़ नहीं मिलता है तो कोई ना कोई चीज़ उठाए थे तुम लोग। अबे तुम लोग एक जगह पे क्यों नहीं रहते हो? हाँ वही वो गाना याद आ रहा है कि चतुर नार बड़ी होशियार। तो अबे चतुर बोल या होशियार बोल, गधे पढ़े लिखे गधे। मिश्रा का नाम मत लेना, भूले से भी नाम मत लेना, रुकमान ऋषि का भी नाम मत लेना। वो सब बच्चे बेचारे लगे हुए हैं सबका हक दिलाने के लिए, और तू नालायक वो लोग का नाम लेता है। हाँ गंदी चीज़ से तू मिलाता है। अबे गंदे लोग तुम लोग हो, तुम लोग का मुंह किसी दिन देख लिए कोई तो उनका खाना नहीं हजम होगा, उनको खाना नहीं मिलेगा तुम लोग की सूरत अगर देखते कोई ऑडियो वीडियो में। समझ गए, तुम लोग सब ब्लॉक करके रखे हुए साले गधे कहीं के, उल्टे सीधे सवालत करता है ये साल वैसा, मैं ये देखा वो देखा। अरे वो पत्रकार है, वो कुछ भी समझा के ही बोल सकता है, तुम्हारे जैसे नहीं। वो तो बोला था ना, रुमान खुरेशी बुलाया था ना कोर्ट पे, आ जा तेरे बम में ताकत है तो आ सामने आ, सवाल जवाब कर, क्यों नहीं जाता तू उधर? चला जा लल्ला, चला जा, पता चल जाएगा। रुमान खुरेशी तेरे को नंगा कर देगा उधरी पे, समझा? या तो मिश्रा तेरे को नंगा कर देगा बातों में, चोरी छुपे घर में बैठ के तू वीडियो बना लेता है। आए? घर में बैठेगा कोई कहीं देखे कोई आ गए, मुझे देखे ना कोई। उस दिन तेरी झलके देखा था मैं, वो जो बड़ा घड़ा आया था शैतान इब्लिश, साथ में तू खड़ा था ना, इधर उधर ताक रहा था कोई आके मारना थे, वो 15-20 जेल को लेके खड़े थे। अरे गधे लोग, अरे बम्बई है रे, ये बम्बई है हैदराबाद नहीं, समझ गया? झुकेंगे तो अंडवे गायब हो जाते हैं, ये बम्बई है, समझा ना? हम लोग सब सबर कर ले गए, बस हमारी आपा बाहर आ जाए, जिनका जो हक है उनको मिल जाए, समझा? आज के बाद ना मिश्रा का नाम लेगा तू, ना ही रुमान खुरेशी का नाम लेगा। बेटा पढ़े लिखे गधे, अब तो सुधर जा, अब तो तुम लोग की नैया देख रहा है ना यार, तुम लोग को तो पता चलता होगा ना यूट्यूब खोलते के साथ MIM का हाल क्या हो रहा है, कुत्ते की ज़िंदगी हो गई उन लोग की। अब जाएं तो कहाँ जाएं, भागम भाग में लग गए। साले जिन जिन को पता चल रहा है आपा के साथ गद्दारी तुम लोग किए हो, समझ रहा है? आलिमा जो है नोरा शेख आलिमा, उनके साथ जो तुम लोग ने गलती किए हो, MIM से लेके तुम यूनुस से सहबाज सब, उसको अल्लाह की मार कहते ना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, मार बड़ी जोर लगती है। आज MIM को मार लग चुकी है, MIM अब परेशान है, अब करूं तो क्या करूं? ये बात पहले ही सोचना चाहिए था आपा को अंदर करने से पहले। आज देखा मैंने भाई कल्ला में जो आई थी, ओहो अकबर ओवैसी क्या नाम उसका, ओवैसी आया था ना सदर तुम लोग का, वो आवाम देख के ही समझ गया कि मैं यहाँ दाल नहीं गला सकता। मार खा गए बेटा, बुरी तरह मार खा गए, समझा ना? तुम सब दल्ले हो, दलाल दलाल समझते हो, मैं BJP के दलाल हो तुम लोग, समझा? मुसलमानों के साथ तुम लोग ने बहुत बड़ा खेल खेल दिए, अब अल्लाह का निगेबान और अल्लाह ही आपा को छुड़ाएगा। कहती है ना आपा, मेरे साथ अल्लाह वकील है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही वकील है उसका,
और इम्तिहान वो ले रहा है और एक दिन आपा बाहर निकलेगी, MIM की नैया डूब जाएगी। और बेटा तेरे को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तेरे बम पे तेल लगा ले, बहुत डंडे पड़ने वाले हैं तेरे को, समझ गया ना? इतने डंडे पड़ेंगे ना अकबर ओवैसी आएगा ना ही सदर आएगा भाई। वो मारता ना डंडे से, वो कौन सी फिल्म है भाई, संजय दत्त की, वैसे देख के तेरे सदर को बोलेंगे पहले मार दिए शुरू फिर से शुरू हो जाओ। तो बेटा इतने डंडे टूटेंगे तेरे बम पे कि तेरे को पहचान में नहीं आया कौन क्या है, समझा ना? सब कल्टी हो गए, ले तू भी कल्टी हो जा, नहीं तो बहुत बुरी तरह मार खाएगा, नहीं तो बुरका पहन के घूमना पड़ेगा। आपा का बुरका बहुत महंगा महंगा तुम लोग बोलते थे ना, वही महंगा बुरका तुम लोग को पहनाएंगे हम लोग, हाँ समझ रहे ना? गलती से भी नाम नहीं लेना, ना अकबर ओवैसी, ना ही मिश्रा जी का नाम, ना ही अपना लंबू जो है बम बम बोलता है, समझ गया ना? बहुत मारेगा लंबू है हाँ, वो डरता ही नहीं है ईमान खुले जी, वो तोप भी जाएगा उसके सामने तो उसके सामने नहीं चलेगी दाल, हाँ समझ गया? आज के बाद बंद, बोलना बंद, किसी के सामने कुछ कुछ बोलना बंद, समझ गया? हाँ ना मिश्रा का नाम लेगा बंद, ईमान खुरेशी का नाम बंद, जितने हैं हमारे चाहने वालों का सबका नाम लेना बंद, समझा बेटा? अपनी अपने बम को तेल लगाते बैठ जा घर के अंदर ही, कुछ ऐसा अगर मांगना चलत गांजा तो बोलना यार, तेरे को गोली वोली वहीं पर मिल जाएगी। तो ये सब हरकत करता है साला साला चरसी गड़गुल्ला, हाँ पढ़ा लिखा गधा बोलता हूँ यार तेरे को यार, छे नाम तो सही है तेरे ऊपर, पढ़ा लिखा गधा, हाँ तुम लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में रहते हो, हम लोग हिंदू मुसलमान सब हम लोग भाई है, हमको कोई नहीं तोड़ सकता, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जय भीम हो या पंजाबी हो या सरदार हो या गुजराती हो, हम सब एक भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक साथ रहेंगे, और तुम कितना भी तोड़ने की कोशिश करो नामुमकिन, समझा? नैया डूब गई है हैदराबाद, तू भी निकाल ले टिकट, निकल ले हैदराबाद, समझा? खलास, महाराष्ट्र उठ चुका उसका दाना पानी अब, चलो अल्लाह हाफिज़ भाई। और मेरे जितने हीरा गोल्ड के चाहने वाले लोग हैं, मैं बहुत कम अब ऑडियो वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने काम धंधे में लग गया था, और जब भी मैं ऑडियो खोला अपना यूट्यूब खोला तो कुछ साले शैतानों का थोपड़ा देखना पड़ता है, बोल के मैं इसके लिए नहीं बना रहा था, लेकिन कुछ बच्चे लोग बनाने लगे तो मैं बोला चलो भाई मैं भी नसीहत दे दूँ उसको पढ़े लिखे गधे को, हाँ समझ गए ना? मैं कमा कमा बैठ के बच्चों को खिला पिला, आजकल तो भी क्या बोलूँ, तेरे घर की रास्ता जाने नहीं छोड़, अल्लाह बचाए तेरे घर को, ठीक है? चलो भाई अल्लाह हाफिज़ भाई, सबको सलाम मेरा।